आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया कि एन ऑटोमोबाइल मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड इज अप्रोचिंग अ फैक्ट्री व्हीसल दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी पता है 500 हर्ट्ज आपको दी गई है फैक्ट्री की यानी सोर्स की। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल एज हर्ड बाय द ड्राइवर। तो ड्राइवर जो है ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर जो है 30 मीटर पर सेकंड से मूविंग है और जो आपका सोर्स है ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा एफ डैश, इट विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट, तो इट विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू वी प्लस का वी एस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम एंड वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो वी एफ नॉट की वैल्यू है 500, वेलोसिटी आपको ऑलरेडी 340 बताई गई है मीडियम में और वी नॉट की वैल्यू 30 है डिवाइडेड बाई 340, ठीक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 544 हर्ट्ज। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना था जो कि आपको पता है स्टेशनरी सोर्स और मूविंग ऑब्जर्वर का। तो इसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और ऑप्शन 2 यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।